सो गाइस फाइनली अपने चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो इसके लिए तुम लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की खुशी पर मैं करने वाला हूँ Q&A। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक अपना क्वेश्चन कमेंट नहीं करा है तो फटाक से इस वीडियो के नीचे कोई अच्छा सा अपना क्वेश्चन पूछ लो। और हाँ, मेरी एज, मेरा नाम और इनकम को छोड़कर कोई और क्वेश्चन पूछना, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछ लिए हैं। सो कोई अच्छा सा क्वेश्चन कमेंट कर दो। एंड अब बात करते हैं हम लोग आज की वीडियो की। सो आज की वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट मॉड्स फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। एंड आज की वीडियो में मैं तुम्हें जितने भी मॉड देने वाला हूँ ये काफी ज्यादा यूजफुल है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो नंबर 3 पर है ऑफ हैंड टॉर्च। सो जैसा कि तुम्हें पता होगा कि जब भी हम लोग माइनिंग करने जाते हैं सो वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, तो हमें काफी ज्यादा टॉर्चेस ले जानी पड़ती हैं, इसमें काफी ज्यादा कोल वेस्ट होता है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में बस हम लोगों को एक टॉर्च बनानी होती है, उसको हम लोग ऑफ हैंड में भी पकड़ सकते हैं। वो टॉर्च हमारे हाथ में पकड़ने पर भी लाइट देती है। हम तो छोटे लोग हैं। सो ये वाला मॉड लगाने के बाद हम लोग पॉकेट एडिशन में भी ऐसा कर सकते हैं। बस तुम्हें करना क्या कि एक नॉर्मल टॉर्च बना लेनी है। एंड जैसे तुम उसको अपने हाथ में पकड़ोगे सो तुम्हें यहाँ पर दिखने वाली है रियल लाइट, मतलब अपने हाथ में तुम्हें टॉर्च पकड़ने पर ही लाइट दिखने वाली है। एंड बाय द वे तुम अपने ऑफ हैंड के लिए भी टॉर्च बना सकते हो। तो तुम्हें बस करना क्या कि नॉर्मल टॉर्च को रख देना है अपने क्राफ्टिंग टेबल में, एंड वहां से फिर तुम्हारी ऑफ हैंड टॉर्च बन जाएगी। एंड देन तुम उस वाली टॉर्च को अपने ऑफ हैंड में पकड़ सकते हो, उससे लाइट भी निकलती रहेगी। एंड तुम अपने मेन हैंड में कोई भी टूल पकड़ सकते हो और उससे काम कर सकते हो। क्यों, सही बोला ना? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, सो नंबर 2 पर है विंग्स हिडन। अब जैसा कि तुम्हें इसके नाम से थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि इसमें तुम्हें विंग्स देखने को मिलने वाले हैं। सो इसके अंदर तुम्हें काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप के विंग्स देखने को मिलने वाले हैं। एंड इन विंग्स को पहनने के लिए बस तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जैसे तुम नॉर्मल इलेक्ट्रा पहनते हो, तुम्हें यहाँ पर बस विंग्स पर क्लिक करना है और अपनी चेस्ट वाली जगह पर रख देना है। एंड फिर तुम भी बन जाओगे बैटमैन। वैसे वो उड़ता नहीं है। इन विंग्स को लगाकर उड़ने में काफी ज्यादा मजा भी आता है। एंड इसमें तुम्हें जो एनिमेशन है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा तुम्हें इसमें काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप के विंग्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि ये D1 विंग्स, लाइम फेदर विंग्स, येलो फेरी विंग्स, व्हाइट ड्रैगन फ्लाई विंग्स और ये बटरफ्लाई विंग्स। अब तुम बटरफ्लाई वाले विंग्स बिल्कुल भी लगा के मत उड़ना, नहीं तो तुम फूकी लगोगे। बाबू मैं निन्नी कर लूं थोड़ी देर। तो इसके अंदर जो मेरे फेवरेट विंग्स हैं वो हैं बैट विंग्स, डीमन विंग्स और ये लास्ट वाले सियान वेदर विंग्स। अब ये वाले विंग्स मेरे फेवरेट इसलिए हैं क्योंकि जो इसके अंदर फ्लाइंग एनिमेशन है वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। सो अब तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें इसमें सबसे ज्यादा बढ़िया विंग्स कौन से लगे। सो लास्ट वाले मॉड को डाउनलोड करने से पहले चलो मैं तुमको बता देता हूँ कि तुम इन सारे मॉड्स को डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो। सो मैंने पिन कमेंट में तुमको एक लिंक दे रखी है, जैसे तुम उस पर टैप करोगे सो तुम आ जाओगे इस वाली वेबसाइट पर। एंड यहाँ पर तुम्हें मेरी पोस्ट दिख जाएगी। एंड अगर तुम्हें मेरी पोस्ट नहीं दिखती तो तुम यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। सो जैसे तुम्हारे सामने पोस्ट आ जाएगी तुम्हें उस पर एक बार क्लिक कर देना है। एंड तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड तुम्हें नीचे सारे की सारी लिंक मिल जाएंगी। एंड अगर तुम्हें इन सारी लिंक्स के डाउनलोड करना नहीं आता तो तुम वहां पर वीडियो भी देख सकते हो। ओके, सो नंबर 1 पर है मोर कैमरा पर्सपेक्टिव। सो अगर तुम भी अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में कोई अच्छा सा सिनेमैटिक मोड ढूंढ रहे हो सो ये वाला मोड तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें इतने सारे कैमरा एंगल देखने को मिल जाते हैं जिससे कि तुम अपना एक बढ़िया सा सिनेमैटिक बना सकते हो। सो कैमरा एंगल चेंज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक नॉर्मल सी स्टिक बना लेनी है। एंड इसके बाद तुम्हें स्क्रीन पर टैप करके रखना है। सो तुम्हारे सामने एक लिस्ट खुल जाएगी जिसके अंदर तुम्हें सारे कैमरा एंगल देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे डिफॉल्ट कैमरा एंगल। सो ये वही तीनों कैमरा एंगल्स जो कि हम लोगों को गेम में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कैमरा एंगल्स की, जो कि डायनेमिक TPP1 और डायनेमिक TPP2। ये दोनों ही नहीं काम करते हैं। क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? आई डोंट नो ये दोनों काम क्यों नहीं करते हैं, लेकिन इसके जो नीचे वाला है वो काम करता है, जो कि हमारा जो है कस्टम डायनेमिक TPP। अब तुम इसको जैसे ही सेलेक्ट करोगे जो तुम्हारा कैमरा एंगल है वो तुम्हारे शोल्डर पर शिफ्ट हो जाएगा। एंड फिर तुम्हें कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलने वाला है, और जैसे जैसे तुम मूव करोगे तो तुम्हारा कैमरा एंगल तुम्हारे साथ ही मूव करने वाला कुछ इस तरीके से। एंड लास्ट में आकर ये तुम्हारे शोल्डर पर ही रुक जाएगा। अब अगर तुम चाहो तो इस वाले कैमरा एंगल को थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हो यहाँ पर सेटिंग्स को छेड़कर। यहाँ पर कुछ हमें ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और ईस्ट टाइम। अब मुझे खुद नहीं पता कि ये सारे किस काम आते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर भी थोड़ी सी सेटिंग छेड़ दी और जो हमारा कैमरा एंगल है वो चेंज हो गया है। ओके, सो दूसरा कैमरा एंगल है हमारा फॉलो कैम। अब ये वाला जो कैमरा एंगल है वो एक ही जगह प्लेस हो जाता है, लेकिन जहाँ पर भी तुम मूव करोगे तो ये तुम्हें साथ में फॉलो करने वाला है। ओके, सो इसके बाद आता है हमारा प्लेस कैमरा हियर। अब इस वाले कैमरा एंगल को तुम जैसे यूज करोगे ना तो तुम जहाँ पर भी देख रहे हो वहाँ पर तुम्हारा कैमरा एंगल सेट हो जाएगा एंड बिल्कुल भी मूव नहीं करने वाला है। इस बार तुम कहीं पर भी जाओ जो तुम्हारा कैमरा एंगल है वो एक ही जगह सेट हो जाएगा। सो इसके बाद आता है हमारा टॉप डाउन मेज व्यू। अब इस वाले कैमरा एंगल को तुम जैसे यूज करोगे जो तुम्हारा कैमरा एंगल है वो ऊपर सेट हो जाएगा। एंड इसके बाद तुम कर सकते हो उसके साथ बाय द वे अब तुम कहीं पर भी जाओगे तो ये वाला कैमरा एंगल तुम्हारे साथ ही मूव करने वाला है एंड तुम्हें ऊपर से रिकॉर्ड करने वाला है। सो इससे भी तुम एक बढ़िया सा सिनेमैटिक शॉट ले सकते हो।
और इस वाले कैमरा एंगल के बाद आता है इसका बड़ा भाई टॉप डाउन मेज व्यू की पावर 2 मतलब वॉच टावर व्यू। तो ये वाला कैमरा एंगल काफी ज्यादा ऊपर सेट हो जाता है जिससे कि तुम्हारा कैरेक्टर एकदम छोटा सा दिखने वाला है लेकिन तुम्हें व्यू जो है बहुत ज्यादा बड़ा दिखने वाला है। और इस वाले कैमरा एंगल की मदद से तुम एक बहुत तगड़ा सा सिनेमैटिक शॉट ले सकते हो मतलब ऊपर से अपने विलेज का या फिर अपने स्ट्रक्चर का। एंड इन सारे कैमरा एंगल्स के बाद भी तुम्हें इसमें काफी सारे छोटे छोटे कैमरा एंगल्स देखने को मिल जाते हैं जिनको तुम गेम में जाके ट्राई कर सकते हो। सो ऑलराइट गाइस ये थे आज के टॉप 3 मॉड। तुम लोगों को सबसे बढ़िया मॉड कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड मैं तुमको फिर से एक बात याद दिला देता हूँ कि